हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतोषी के किचन में। आज मैं आपको सबके फेवरेट काजू करी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो सभी को पसंद आती है, हम रेस्टोरेंट में तो खाते ही है, लेकिन आपको मैं होममेड काजू करी की रेसिपी बता रही हूँ, प्योर वेज, जो मिनटों में बन जाती है और सब खुश हो जाते हैं खाने के बाद। तो शुरू करते हैं काजू करी की रेसिपी। हाँ तो फ्रेंड्स, काजू करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप काजू लिए हैं, 1 टोमेटो इसे मैंने बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है, लगभग 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए है, प्याज भी थोड़ा बड़ा ही कट किया है, 1 टीस्पून सौंफ लिए है, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ लिए है, ज़्यादा लहसुन नहीं डालना है, बस 7-8 कली लेना है, और थोड़े खड़े मसाले लिए। खड़े मसाले में मैंने यहाँ पर 1 तेज़पत्ता लिया है और लगभग 3 ऐसी लाल सूखी मिर्च ली है। इसके साथ में मैंने कलमी ली है 1/2 इंच टुकड़ा, 5 से 6 काली मिरी और 2 लौंग लिए। सबसे पहले एक कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है, घी गरम करेंगे अच्छे से और इसमें काजू डाल लेंगे। काजू को हल्का सा रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पर, हम इस काजू को रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हल्के हल्के काजू रोस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस अब इसी कंडीशन में हम इसे निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी और डाल लेंगे, घी को अच्छा गर्म होने देंगे। अब हमने ये जो प्याज चॉप करके रखा है, ये प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज को भी हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं सेकना है, कलर चेंज होने तक नहीं करना है। आप देख सकते हैं हमारा प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, बस इतना ही हमें सेकना है प्याज को। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ, तेजपत्ता, तेजपत्ते को इस तरह से तोड़कर डालें। इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और काली मिरी। इसी के साथ में हम इसमें 2 हरी इलायची भी डाल लेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आती है सब्जी को। अब हम इसमें ये लाल मिर्च डाल लेंगे, इनको भी थोड़ा सा भुनना है, मिर्ची को ज़्यादा ना भुने। आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छी तरीके से भुने जा चुके हैं। हम अभी गैस को ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्सर के जार में डाल लेंगे और इसकी पेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने मसाले जो भुने हैं ये मिक्सर के जार में डाल लिए। इसी के साथ में हम इसमें लहसुन की कलियाँ भी डाल लेंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर अदरक भी लिया है, अदरक भी इसमें डाल लेंगे पेस्ट करते वक्त। लगभग मैंने 1/2 इंच अदरक लिया है। अब इसकी बढ़िया एक पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली है, एकदम एकदम फाइन पेस्ट नहीं हुई। अभी हम इसमें थोड़े से कैशू भी डालेंगे, हमने ये जो रोस्ट करके रखे हैं कैशू, इसमें से हम थोड़े से कैशू इसमें डाल लेंगे। लगभग 15-20 काजू हम इसमें डाल लेंगे ग्रेवी में, इससे है ना ग्रेवी बहुत टेस्टी बन जाएगी। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पीस के रेडी हो चुकी है। अब हम एक कढ़ाई में लगभग 4 टेबलस्पून घी गरम करेंगे। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हो या तेल भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ प्याज घी में बना रही हूँ सब्जी, सो मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी लिया है। घी को अच्छा गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, घी में ये सब्ज़ी बनाते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और खाने में टेस्ट भी एकदम लाजवाब आता है, सो आप भी घी में ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी राई डाल लेंगे तड़के के लिए, राई को अच्छा तड़कने देंगे। राई अच्छे से चटक चुकी है, अब हम इसमें शाही जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून शाही जीरा लिया है मैंने, आप चाहे तो सादा जीरा भी ले सकते हो। अब हमने ये जो ग्रेवी करके रखी है प्याज और कैशू की, ये हम इसमें डाल लेंगे। इस तरह से हमने ये पेस्ट डाल ली इसमें। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक हम इसे अच्छे से घी में फ्राई करेंगे ग्रेवी को। हमने जो टोमेटो लिया था हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं तब तक। आप
आप देख सकते हैं इसे बढ़िया घी छूट रहा है हमारी ग्रेवी अच्छे से, लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए हमें। इसमें बढ़िया खुशबू भी आ रही है मसालों की। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। आप देख सकते हैं मसालों को बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसके साथ में हमने यहाँ पे जो टोमेटो की पेस्ट करके रखे हैं ये इसमें डाल लेंगे। टोमेटो पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स करके लगभग 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसमें हमारे टोमेटो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। यदि आपके पास मार्केट वाला व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप दूध पे की फ्रेश मलाई भी ले सकते हो। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून फुल भर के व्हिपिंग क्रीम लिया है। क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ में हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क। ये रूम टेम्परेचर पे मैंने लिया है। फ्रेंड्स, काजू करी की सब्ज़ी थोड़ी रिच होती है। इसमें दूध, क्रीम, कैशू सभी रिच आइटम्स होते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप दूध की जगह पानी भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे ढक्कन रख के लगभग 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे। हाँ तो फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे। वाओ, कितना बढ़िया कलर आ चुका है हमारी काजू करी की ग्रेवी को। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया लाजवाब दिख रही है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से गाढ़ी पतली रख सकते हो जैसी आपको पसंद हो, लेकिन काजू करी की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, एकदम पतली अच्छी नहीं लगती। सो फ्रेंड्स, अब इसमें हमने जो रोस्ट करके रखे थे कैशू नट्स ये डाल लेंगे और इस पर ढक्कन रख के लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी काजू करी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, खाने में भी ये बहुत बढ़िया लगती है। सो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी काजू करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब है। सो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट स्टाइल काजू करी की रेसिपी बहुत ही आसान है, बना के देखिए, खुद भी खाए, घर वालों को भी खिलाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।